भगवान सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही नौतपा प्रारंभ हो जाता है। नौतपा के दौरान सूर्य की लंबवत किरणें धरती पर पड़ती है। सूर्य भगवान रोहिणी नक्षत्र में 15 दिनों के लिए आते हैं, तो उन दिनों के पहले 9 दिन सर्वाधिक गर्मी वाले होते हैं। इन्हें शुरुआती 9 दिनों को नौतपा के नाम से जाना जाता है। इस बार नौतपा 25 मई से शुरू होगा, ऐसी बात कही जा रही है। खगोल विज्ञान के मुताबिक नौतपा में सूर्य की किरणें धरती पर एकदम सीधी पड़ती है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है और मैदानी क्षेत्रों में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने लगता है। ये निम्न दबाव का क्षेत्र समुद्र की लहरों को आकर्षित करता है, जिसके कारण ठंडी हवाएं, तूफान और बारिश के आसार रहते हैं। इस दौरान हवाएं चल सकती है। 25 मई को सूर्य सुबह 9:04 पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सूर्य इस नक्षत्र में 8 जून की सुबह 6:57 तक रहेंगे। शुरुआत के 9 दिन यानी 3 जून तक नौतपा रहता है। इन 9 दिनों तक मौसम का मिजाज काफी तल्ख होता है, गर्मी चरम पर होती है। सूर्य की गर्मी और रोहिणी के जल तत्व के कारण मानसून गर्भ में आ जाता है और नौतपा ही मानसून का गर्भकाल माना जाता है। जिस समय में सूर्य रोहिणी नक्षत्र में होता है, उस समय चंद्रमा 9 नक्षत्रों में भ्रमण करते हैं। यही कारण है कि इसे नौतपा कहा जाता है। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।